खबर यूपी के जनपद अमेठी से, जहां औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर के भेल फैक्ट्री में श्रमिकों ने नौकरी पर वापस लेने के लिए किया धरना प्रदर्शन। वहीं संविदा मजदूर संघ के महामंत्री ओम प्रकाश ने बताया कि कोरोना काल का हवाला देकर लगभग 600 वर्करों को बैठा दिया गया तथा किसी को पीएफ का पैसा भी नहीं दिया गया। और क्या कुछ कहा सुनिए पीड़ितों ने। आज आप लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? हम लोगों को कोरोना काल का हवाला देकर बैठा दिया गया है। अब तक हम लोगों को लगभग 2.5 साल हो गए और पीएफ का पैसा भी हम लोगों को नहीं दिया गया, जिसमें हमारे कुछ संविदा कर्मचारी हमारे बीच आज हैं भी नहीं और लगभग 10 साल से लोग रिटायर भी हो चुके हैं, उनको भी अभी तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया। लगभग कितने लोग हैं काम करने वाले? लगभग 600 वर्कर हैं जो हम लोग काम करते थे। तो इसकी शिकायत कहीं की आपने? इसकी शिकायत हमने समय समय पर प्रबंधिका को हमेशा की, लेकिन उन्होंने हमको ये बताया कि कभी बोलते हैं डिफेंस का कार्य आ रहा है, कभी बोलते हैं सोलर पैनल का आ रहा है, कभी बोलते हैं कंपोजिट का आ रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ दिखा नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर हम लोग प्रदर्शन करेंगे जहाँ भी जाना होगा। इसके लिए जितना भी बड़ा आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे।